मैं डॉक्टर संजय कैरियर प्लस के ऑनलाइन ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं यहां पर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को पढ़ाऊंगा, जिसकी वैल्यू आपके जीएस के पेपर में है और मेंस के आपके जीएस के थर्ड पेपर में भी है। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो प्री एग्जामिनेशन में कहां से पोर्शन आता है और आपके मेंस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा नियर अबाउट प्री के एग्जाम में आपके पास 9 प्लस माइनस 12 इतने में क्वेश्चन आपको आते हैं प्री एग्जामिनेशन में, और मेंस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। जो हमारा सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट आपका प्री एग्जामिनेशन और सेकेंड आपका मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में नाम केवल दिया जाता है आपके सिलेबस में जनरल साइंस, बट जो क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जनरल साइंस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 3 पार्ट से हैं, फर्स्ट आपका लाइफ साइंस, सेकंड आपका फिजिक्स और थर्ड आपका है केमिस्ट्री। जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके केवल अप्लाइड पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेल गैस हुआ या नए नए इन्वेंट हुए, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हुई, या स्पेस में जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें फ्यूल कौन सा है वगैरह वगैरह। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिजीज ओरिएंटेड होते हैं, जैसे अभी आजकल कोरोना चल रहा है तो ये कहां से आया, किससे होता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है अदरवाइज। सेकेंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसका मूल आधार क्या है। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आईएएस में इसी पोर्शन से होते हैं। अब चूंकि ये जो पोर्शन है वो आपका पूरा मेंस में है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेंस में फर्स्ट टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, सेकेंड टॉपिक है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी इसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, थर्ड है आपका डिफेंस, फोर्थ है आपका एनर्जी, फिफ्थ है आपका नैनो एंड रोबोटिक्स, देन फिर इंफॉर्मेशन जिसको हम सूचना बोलते हैं, नेक्स्ट है आपका आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक संपदा अधिकार, और नेक्स्ट है आपका करंट इशू, यानी कि ये जो आपके जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टरों से जो करंट इशू होता है इन सभी पार्ट को उठाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो ये आपका पूरा एक तरीके से प्री ओरिएंटेड होता है, और ये आपका पूरा मेंस ओरिएंटेड होता है, और मेंस ओरिएंटेड के ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्री के एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्री का और मेंस का ये पूरा मैं डिस्कस करूंगा। क्लास आपकी जब भी शुरू होगी तो क्लास के साथ आपका टेस्ट सीरीज और आपका रिटेन कैपेसिटी, मेंस में हम कैसे इसको लिखेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपके क्लास में डिस्कस की जाएगी। ओके, थैंक यू।